आप लोग में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि मैं कोच बनने से पहले एक बैंकर था। तो मेरा एक बॉस था, तो एक बार मेरे बॉस काफी स्मार्ट लग रहे थे, तो मैं सिंपली जा गया उनके पास और मैं बोला, बॉस आज आप जो लग रहे हो ना, माशाल्लाह क्या लग रहे हो। मेरे बॉस बोल रहे हैं, सुभाष बहुत तेज हो रहे हो है। बहुत बोल रहे तो मैं बोला, सर एक बात बताओ, आपको मेरे बात में थोड़ा भी डाउट है क्या? पता नहीं, डाउट तो नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है तू झूठ नहीं बोले। हमारे जो बॉस होते हैं ना, वो हमारे बॉस होते हैं। और जब आप अपने बॉस को थोड़ा मक्खन मारते हो ना, बॉस को पता चल जाता है कि आप सही बोल रहे हो कि बॉस को सुनाने के लिए बोल रहे हो या मक्खन लगा रहे हो। सो आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू इम्प्रेस माई बॉस। हाई एवरीवन, आई एम सुभाष कार्तिक एंड एज यू नो दैट आई हेल्प पीपल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली। एंड यस, इफ यू आर एन अमेजिंग कम्युनिकेटर, यू विल इम्प्रेस योर बॉस। अरे बॉस छोड़ो यार, आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जब आप किसी बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हो तो दिमाग में एक बात जान लो, जो बॉसेस होते हैं ना, वो चार प्रकार के होते हैं। कभी सुना है ऐसा? बॉसेस भी चार प्रकृति के होते हैं, बट दिस इज द रियलिटी। द फर्स्ट टाइप इज प्लेफुल बॉस। प्लेफुल बॉस कैसे होते हैं? प्लेफुल बॉस जो हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं, काम बहुत जल्दी करते हैं, एकदम फास्ट 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 करते हैं, लोगों से बात करना उनको बहुत पसंद है। अगर आपका बॉस प्लेफुल है तो अगर आप गलती कर भी दोगे ना, तो आपको वो माफ कर देगा। यस, वो एकदम दिल फेक इंसान है, दिल फेक इंसान। अपनापन लगता है जब आपका बॉस प्लेफुल हो। तो अगर मेरा बॉस प्लेफुल हो तो उसे कैसे पटाए, सॉरी पटाए नहीं, हाउ टू इम्प्रेस माई प्लेफुल बॉस। If your boss is playful, then you need three resources. The first is attention. Attentive रहो, boss के तरफ हमेशा नजर रखो, उनको कुछ चाहिए क्या? Always see your boss. Always try to be attentive. What your boss is doing, what your boss is telling, what your boss is expecting from you. Next is be affectionate. थोड़ा प्यार पसंद करते हैं ये boss. Boss, everything is fine. Boss, how are you? How is your family, boss? आपके घर पे सब ठीक है? They need affection, they need love. Boss, एक selfie boss, आपके साथ एक selfie boss. Boss, I love you, boss. The way you work, I simply love your work. Love you, boss. Love you. But, if you really need my suggestion, these are the important conversation that you should do. ये सब important conversation है जो आप अपने playful boss के साथ करोगे. लेकिन मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये बनावटी होगा. Don't fake it. Please understand, if you see your boss is not playful, don't use these conversation. अपना काम करना और निकल जाना ऑफिस से. So friends, attention, affection and approval. ये जो playful bosses होते हैं ना, उनको आपका अप्रूवल चाहिए. अप्रूवल मतलब yes boss, you are right. Yes boss, हो जाएगा, आपने बोल दिया ना, हो जाएगा. Sir, you have told me ना, ensure it will be done. कोई माने या ना माने boss, I believe you sir. I'm always with you boss. If your boss is playful, don't forget that boss needs attention, affection and approval. Powerful boss. ये powerful boss हमेशा काफी systematic रहते हैं, काफी hard working है, काफी serious रहते हैं अपने काम के प्रति, काफी discipline रहते हैं, time से आते हैं, time से जाते हैं. जब ये boss के life में कोई challenge आता है ना, कभी नहीं बोलते यार बहुत बड़ा target है, कभी ये नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं करेंगे, एकदम करेंगे, definitely करेंगे. Friends, if your boss is powerful boss, then your boss must be needing credit, loyalty and appreciation. Credit क्या चीज होती है? सारा चीज मैं बताऊंगा. Credit के साथ साथ आपको अपनी loyalty दिखानी पड़ती है कि boss मैं आपके साथ हूँ, I am with you. You appreciate your boss. Boss, you have done amazing. You have done fabulous work. हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा करा and all credit goes to you sir. आप नहीं होते तो हम नहीं कर पाते sir. Boss, you work very diligently, boss. Boss, you speak outstanding, boss. Amazing. आप क्या कर क्या रहे हो? आप बॉस को क्रेडिट दे रहे हो. आपको अगर लग रहा है कि सर, अगर मेरे बॉस को लगा कि मैं मक्खन मार रहा हूँ, ये सब मत सोचो. If you are real, अगर आप जो बोल रहे हो real है, तो इतना मत सोचो कि आपके बॉस को वो real लग रहा है कि नहीं. जैसे मैंने अपने बॉस को बोला, boss, you are looking amazing. तो एकदम genuinely बोला और मेरे बॉस को समझ में भी आया कि मैं genuinely बोल रहा हूँ. When you give credit to your powerful boss, your boss will love it. But genuinely देना, fake मत करना, because if you fake it, your boss will make it.
सम बॉसेस आर पीसफुल बॉस, ये लोग हमेशा शांति पसंद करते हैं, झगड़े में तो बिल्कुल नहीं जाते। ऐसा बॉस देखा है कभी? काफी शांत रहते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा इन बॉसेस को देखकर कि वो खुश है कि दुख है, क्योंकि हमेशा कूल और बहुत काइंड होते हैं, काफी ह्यूमिलिटी होती है उनके अंदर। मतलब वो जो बॉस है ना, वो बॉसगिरी दिखाते नहीं है कि मैं बॉस हूँ, एकदम शांति से रहते हैं, सबका सुनते हैं, इज अ वेरी गुड लिसनर। तो अगर आपका बॉस एक पीसफुल बॉस है तो कैसे इम्प्रेस करोगे उनको? हाँ, योर बॉस नीड्स वैल्यूज, योर बॉस नीड्स रेस्पेक्ट एंड योर बॉस नीड्स हार्मनी। उसे चाहिए कि लोग उसकी कदर करें, लोग उसके रिस्पेक्ट करें। आपके पीसफुल बॉस के दिमाग में क्या है? एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, वहां पे कोई अग्रेशन नहीं है। तो ज्यादा जोर से बात मत करें अपने पीसफुल बॉस के साथ। द मोर यू टॉक पॉजिटिव थिंग्स, द मोर यू टॉक इन अ वेरी कूल एंड काम वे, योर पीसफुल बॉस विल लव इट। बॉस, आई एम फीलिंग सो गुड टुडे बॉस, हाउ आर यू बॉस? बॉस, व्हेनेवर यू कम टू ऑफिस द environment becomes so peaceful, बहुत अच्छा environment हो जाता है boss. The way you work boss, you don't shout and everything just happens like that, सब हो जाता है और आपको चिल्लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, but we all respect you boss. वैसे boss इतने peaceful नहीं होते हमेशा, but if you are meeting your peaceful boss, नहीं good morning बिल्कुल मत बोलना, have a blissful morning my boss, have a wonderful morning my boss, it is an effective tool to impress your peaceful boss. Absolutely. Now let's come to the final one and that is called precise boss. Precise का मतलब पता है क्या होता है? They are very accurate. उनको पढ़ना पसंद है. They are called perfectionists. अगर files सब rack में रखे हुए हैं, एकदम organized way से सारे files रखे गए हैं, अगर आप उनके पास जाओगे और बोलोगे boss I need that file, एकदम आँख बंद करके वो file को पकड़ेंगे and they will give it to you. They are so precise, systematic, perfectionists. ऐसा वैसा काम बिल्कुल नहीं करते हैं. They do any job very diligently, एकदम बहुत अच्छे से. और ये लोग उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो लोग इनके जैसे होते हैं, समझे? Oh my God, if your boss is very precise, वैसे आजकल precise boss थोड़े कम मिलते हैं comparatively. But precise bosses are very sensitive. जी हाँ. So whenever you want to talk to your boss, please पहले हजार बार सोच लेना. Think 1,000 times. Your precise boss needs space. उनको space चाहिए ताकि और dedicated होके वो अपना काम कर सके. Not only space, they need very quiet environment. Yes, ज्यादा मस्ती नहीं चलेगा. Space देना है. Every time don't go to your boss. Boss, 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 you are so good. You're so amazing. सारे sources हर boss के लिए नहीं है. If your boss is precise, उनको तो disturb ही मत करना. If it is very important, then go. Boss, may I come in? Boss, can I say something? Ask before you say something, because आपकी कौन सी बात को वो पकड़ लेंगे और आप उनके लिए बुरे बन जाओगे. Yes. ये भगवान क्या जुलूम है. If your boss is very precise, then you can make this kind of conversation. Boss, I hope you are fine. Do you need any help, boss? Boss, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं. Boss, any problem? If you have any problem, please do let me know. Boss, I know you are busy. So I really wanted to tell you something. So when you're free, then you tell me, boss, I'll come. पूछ लेना कुछ बोलने से पहले. If you really want to impress your boss, you have to treat them the way they want to be treated. Whatever and however is your communication type. एक बात हमेशा दिमाग में रखना. You are going your office for your work. और जहाँ तक बात है impression की, पहले काम बाद में impression. Those who are my viewers, जो मेरे viewers हैं, जो अभी अभी मेरे videos देख रहे हैं, उनमें से बहुत लोग हैं जो subscribe किए हैं हमारे channel को, और कुछ लोग हैं जो बस video आता है और वो देखते हैं. Please subscribe कर लो यार. आज आपके boss से बचा दिया, कल आपके बहुत लोगों से बचा सकता हूँ मैं. Just by your communication, you will not only save yourself, you will grow like anything. So just to grow in your life, please subscribe my channel. If you are really salaried, अगर आप काम करते हो
और अगर आपका बॉस है तो आपका बॉस कैसा है, प्लीज नीचे इस कमेंट सेक्शन में लिखे माई बॉस इज पीसफुल बॉस, माई बॉस इज प्लेफुल बॉस, माई बॉस इज प्रेसाइज बॉस और माई बॉस इज पावरफुल बॉस। हो सकता है दोस्तों कि आप आज के वक्त कोई काम नहीं करते हो, यू आर नॉट अ सर्विस पर्सन, सो आपको बस इतना लिखना है आई लाइक आपको कौन से टाइप के बॉस अच्छे लगते हैं। अगर आप जॉब करोगे तो आप क्या चाहोगे, आपका बॉस किस टाइप का बॉस हो। सो आप लिखोगे आई लाइक प्लेफुल बॉस, आई लाइक पावरफुल बॉस, आई लाइक प्रेसाइज बॉस और आई लाइक पीसफुल बॉस। एंड गाइज आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग वीडियो। कहीं मत जाइएगा, फिर वापस तो यहीं आइएगा। बाय 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 एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।